फाइनली गाइज मेरा जो है पार्सल वो आ चुका है। उसके ओके सारे जो भी है डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना। तो गाइज ये है नोवा का 1133 मॉडल। तो हेलो गाइज, मैं आज आपको यहाँ पर किसी भी तरह का टेक या ट्रिक के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि मुझे आज एक जो है नीड पड़ी एक ट्रिमर की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि कौन सा जो ट्रिमर आपको लेना चाहिए या फिर कौन सा सबसे बेस्ट होता है, कैसे कौन सा ट्रिमर बेस्ट होगा, कौन सा ट्रिमर को बाय करना चाहिए। तो गाइज मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ही ज़्यादातर ऑर्डर करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रिमर भी फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करूँ। तो गाइज मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बहुत तरह तरह के जो है ट्रिमर मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा, पर मुझे कुछ समझ नहीं है। किसी का दाम 1000 है, किसी का दाम 1200 है और उसका रेटिंग बहुत ज़्यादा ही कम है। मैंने बहुत सारे ऐसे जो है जिसका रन टाइम लगभग 60 मिनट 40 मिनट यही आ रहा है। पैसा ज़्यादा लगने के साथ यहाँ पे हमें बैटरी का जो है पावर भी कम दिया जा रहा है। तो गाइस मुझे बहुत देर के बाद ये नोवा का 1133 वाला मॉडल मुझे दिखा। उसके बाद मैंने इसकी सारी चीज़ों को चेक किया, रेटिंग चेक किया, इसका हर एक चीज़ जो परफॉर्मेंस है इसका सारी चीज़ को मैंने देखा, यहाँ पर लोगों के कमेंट्स देखा, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। मैंने यहाँ पे हर एक तरह का जो है इसका और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे लेना है तो सिर्फ इसी को लेना है, नोवा 1133 मॉडल का ही जो है ट्रिमर, इसे ही मैं लूंगा क्योंकि इसका बैटरी का जो है पावर भी अच्छा है। फिर मैंने काफी देर चेक करने के बाद मैंने इसे जो है खरीदने के लिए सोच लिया। फिर मैंने इस पे बाई वाले बटन पे क्लिक किया और मैंने इसे फटाफट जो है अपने प्लेस पे तुरंत ही इसे ऑर्डर करना चाहा। इसके बाद फिर मैंने कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट किया क्योंकि मैं डायरेक्ट इस पे पेन नहीं करना चाहता, और फिर ये हमारा सक्सेसफुल जो है ऑर्डर हो चुका है। और गाइस इसके बाद हमें कुछ दिन वेट करना है जब तक ये हमारा पार्सल हमारे घर तक नहीं आया। तो फाइनली गाइस मेरा जो है पार्सल वो आ चुका है और ये कोरियर वाला भैया जो है ये सबसे पहले इसे अनबॉक्स करेंगे और फिर इसे चेक करेंगे और यहाँ पे इसे कुछ डिटेल्स अपने जो है कंपनी को भेज देंगे क्योंकि फ्लिपकार्ट का यहाँ पर कुछ जो है रूल्स वगैरह चेंज हो गया है, वजह से इसके बाद फिर हमें जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो गाइस कोरियर वाले भैया जो है इसे चेक करने के बाद हमें हैंड ओवर कर दिया है और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये ट्रिमर के साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है और इसके सारे जो भी है डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना। तो गाइस ये है नोवा का 1133 मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे आपको बैटरी इसका जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसमें 1200 mAh की आपको बैटरी की कैपेसिटी दी गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप खुद के लिए या बीएड के लिए या फिर आप जैसे अपने हेयर के लिए आप लेना चाहते हो एक अच्छा सा ट्रिमर, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला जिससे कि आपको गलत जो है ट्रिमर ना खरीद लो या फिर आप जो है अपना पैसा बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो गाइस मैंने इस डब्बे से ट्रिमर को बाहर निकाल लिया और इसके साथ हमें इंस्ट्रक्शन के लिए एक मैनुअल कार्ड दिया गया जिसमें इसकी सारी डिटेल्स दिया गया है, बताया गया है सारी चीजों को, तो अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं और यूज करने की सारी जानकारी यहाँ पे डिटेल्स के साथ दिया हुआ है। तो खैर इस पेपर को रखते हैं साइड में और हम चलते हैं अपने डब्बे की ओर। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने ट्रिमर को यहाँ पे देखना चाहूंगा कि हमारा ट्रिमर जो है वो कैसा है, जितने में मैंने इसे खरीदा है उसके लायक है भी या नहीं। और मैं अगर आपको यहाँ पे सच बताऊं ना तो जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ये अच्छा निकला, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि कितनी ज्यादा शाइनिंग है, चमक है इसमें बहुत ज्यादा और इसकी वजन भी काफी अच्छी है। तो भाई साहब मुझे तो यहाँ तक बहुत अच्छा लगा। चलिए इसे एक बार चला के देखते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने चलाया है काफी स्पीड में ये जो है ट्रिमर जो है चल और इस रही बटन को आप सेकंड बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे डबल जो है इसकी स्पीड हो जाती है और ट्रिपल बार अगर आप इसे टैप करोगे तो ये बंद हो जाएगी। और दोस्तों असल बात तो ये है कि यहाँ पर जो हमारा ब्लेड लगा हुआ है ये इतनी ज्यादा अच्छी है। तो गाइस बस ये एक ही ब्लेड जो है सिंगल ब्लेड आपका जो है किसी भी शेप में आपका दाढ़ी को यहाँ पे कन्वीनियंटली कट कर सकता है, बस इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब भाई लोगों की अलग अलग अपनी पसंद होती है कि उन्हें किस साइज में अपनी जो है बियर्ड को ट्रिम करना और है। अगर बियर्ड या हेयर कट करते हुए ज्यादा बाल अगर आपके ट्रिमर में लग जाते हैं तो साफ करने के लिए दिया गया है एक ब्रश और साथ ही हमें यहाँ पे जो है चार अलग अलग जो है हमें साइज का दिया गया है ब्लेड। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें चार अलग अलग ब्लेड दी गई है जिसमें कि आपको अगर लगे हुए ब्लेड से अगर नहीं कट करना है तो इसे आप आराम से लगा के आप इजीली कट कर सकते हो अपने हिसाब से। और इस ब्लेड को कैसे फिट करना है वो आगे मैं बताऊंगा। तो गाइस इस सब के साथ हमें जो है चार्जिंग केबल दिया गया है जो टाइप सी वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है, आप इसे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। और साथ ही इन सबको क्लीन करने के लिए अगर आपका बाल लग जाए ट्रिमर में तो यहाँ पे हमें कुछ लिक्विड दी गई है जिससे कि आप ब्रश में लगा के इजिली साफ कर लो। तो गाइस मैंने यहाँ जो भी हमें इस ट्रिमर के साथ मिला है सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे निकालना कैसे है और इसके जो है इसे फिट कैसे किया जाता है, इसके साइज जो है अप डाउन कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इस ब्लेड में आपको 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का जो है ट्रिम करने की यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। आप जैसे इसे घुमाओगे तो यहाँ पे आपका ब्लेड जो है अप डाउन होगा जिससे कि आपका बाल जो है या फिर बियर्ड जो है आपका जो है किसी भी शेप में कट सकता है। अब बात करते हैं कि इसे निकालना कैसे। तो गाइस आप पीछे से साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बटन टाइप का दिखेगा जिसे आप जैसे प्रेस करोगे ये खुल जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद आपको नेक्स्ट आपको किसी भी शेप का जैसे यहाँ पे ब्लेड लगाना चाहते हो, लेकिन ब्लेड लगाने से पहले एक बार चलिए इसे चला के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसे चलाई यहाँ पे काफी स्पीड के साथ जो
है ये चला, इसको डबल प्रेस भी करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती तो है। तो चलिए बात करते हैं इसके सबसे कम साइज वाले ब्लेड को लगाते हैं। ऊपर से आपको कुछ इस तरह से लगाना है और नीचे के साइड आपको कुछ प्रेस कर देना है, बस इतना ही करना है, इसके बाद ये फिट हो जाएगा। और अब इसी तरह से जो है आराम से अपने बियर्ड को यहाँ पे यूज कर सकते हो कट करने के लिए। और जैसे ही सेम टू सेम आप बाकी शेप वाले ब्लेड को भी बड़ी आसानी के साथ बस ऐसे लगा के नीचे प्रेस कर देना है, ये ऑटोमेटिक लग जाती है। तो गाइस अब तक मैंने जितने भी ट्रिमर खरीदा उनमें से सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना।